हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ एजुटॉक। टुडे वी स्टडी क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 डिफरेंशिएशन। देन हियर टू सॉल्व द क्वेश्चंस डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन नंबर नाइन, हियर वी हैव टू यूज सम रिजल्ट्स। फर्स्ट वी स्टडी दिस रिजल्ट्स, बट विच रिजल्ट्स यू हैव टू यूज हियर, मतलब यहाँ पे हमें ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं। साइन टू थीटा का रिजल्ट क्या है इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, टू टैन थीटा डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एज वेल एज वी नो दैट साइन टू थीटा का रिजल्ट क्या है, टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा। देन कॉस टू थीटा का क्या है, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। टैन टू थीटा का क्या है, टैन टू थीटा का इन टर्म्स ऑफ टैन, टू टैन थीटा डिवाइडेड वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। एंड कॉस थ्री थीटा का क्या है, फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। वी हैव टू यूज ऑल दिस फॉर्मूले टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, एज वेल एज वी नो दैट विच रिजल्ट वी हैव टू यूज हियर अगेन। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू वट वी गेट, साइन इनवर्स इन टू साइन इज आइडेंटिटी, रिमेन इज थीटा। एज वेल एज सेम थिंग फॉर कॉस इनवर्स इन टू कॉस थीटा इज इक्वल टू गेट थीटा, और टैन इनवर्स इन टू टैन इज थीटा, और कॉट इनवर्स इन टू कॉट इज थीटा। ओके, वी हैव टू यूज दिस रिजल्ट। देन इन लास्ट स्टडी ऑलरेडी वी हैव स्टडी अप टू क्वेश्चन नंबर एट, देन हियर टूडे वी स्टडी क्वेश्चन नंबर नाइन। इन क्वेश्चन नंबर एट वी आर प्रोवाइड द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मीन सपोज हियर इज साइन ऑफ फोर एक्स, ओके लाइक दिस फंक्शन। देन वी गेट साइन इनवर्स इन टू साइन एज ओनली फोर एक्स, एंड देन वी डिफरेंशिएट एंड देन वी गेट वैल्यू फॉर डीवाई बाई एक्स। मतलब यहाँ पे हमें आउटसाइड फंक्शन इज ऑल्सो गिवन इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड इनसाइड फंक्शन भी कौन से फॉर्म में दिया था, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में। और अगर ए इन टर्म्स ऑफ साइन नहीं है तो हम क्या कन्वर्ट करते थे, हम इन टर्म्स ऑफ साइन कन्वर्ट करते थे, सच दैट वी यूज दिस रिजल्ट। बट हियर इन दिस क्वेश्चन द आउटसाइड फंक्शन इज कॉस इनवर्स एंड इनसाइड फंक्शन इज गिवन एज ओनली द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, द लास्टली वी आर गिवन इनसाइड फंक्शन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन जस्ट वी मॉडिफाई दिस रिजल्ट एंड वी गेट साइन इनवर्स इनटू साइन, और कॉट इनवर्स इनटू कॉट, टैन इनवर्स इनटू टैन, एंड देन वी गेट द डिफरेंशिएशन। बट हियर वी हैव टू यूज डिफरेंट रिजल्ट, मीन्स कॉस इनवर्स इनटू फंक्शन इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देन विच रिजल्ट वी हैव टू यूज सच दैट वी गेट कॉस इनवर्स इनटू कॉस। मतलब यहाँ पे भी हमें इनसाइड की टर्म इन टर्म्स ऑफ कॉस ही कन्वर्ट करनी है, जबकि आउटसाइड की टर्म क्या है, कॉस इनवर्स है, तो इनसाइड भी क्या चाहिए, कॉस ही चाहिए, और आउटसाइड की टर्म साइन इनवर्स है तो इनसाइड भी सही नहीं चाहिए। मतलब हमें सम सब्स्टिट्यूशंस पुट करने होंगे, ठीक है, दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड वन प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इनसाइड की टर्म हमें क्या कन्वर्ट करनी है, यहाँ पे कॉस की टर्म में कन्वर्ट करनी, ठीक है। तो लेट फॉर द सॉल्यूशन वी डिनोट द गिवन वैल्यू एज y इज इक्वल टू, देन कॉस इनवर्स ऑफ क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड वन प्लस एक्स स्क्वायर। हियर इफ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड वन प्लस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, या साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स डिवाइडेड वन प्लस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, या टैन इनवर्स टू एक्स डिवाइडेड वन माइनस एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, तो इन तीनों x इज इक्वल टू टैन थीटा ही पुटअप करना है। वी गेट आउटसाइड टर्म एज साइन इनवर्स एंड इनसाइड टर्म एज अ कॉस थीटा, ओके, देन वी कन्वर्ट दिस कॉस थीटा इन टू साइन थीटा बाय सब्स्टिट्यूटिंग कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। वी पुट सब्स्टिट्यूशन, मतलब x इज इक्वल टू हम ऐसी वैल्यू हियर वी पुट x इज इक्वल टू सम वैल्यू सच दैट वी गेट इनसाइड टर्म एज अ कॉस टर्म, ओके, देन वी पुट x इज इक्वल टू सपोज टैन थीटा, ओके, देन वी पुट x इज इक्वल टू टैन थीटा, देन वट वी गेट दिस y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज दिस, मतलब क्या मिलेगा, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड, ये भी क्या मिलेगा, वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा का रिजल्ट क्या है, ओके, वी यूज दिस रिजल्ट। देन हियर जस्ट वी हैव स्टडी दिस कॉस टू थीटा इज वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। देन इन ऑर्डर टू यूज ऑल दिस रिजल्ट वी नो ऑल दिस वट इज दिस साइन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, कॉस टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, और टैन टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन, वी नो ऑल दिस फॉर्मुले, देन एंड देन वी कैन यूज दिस फॉर्मुलेज हियर डायरेक्टली, ठीक है। देन हियर वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा का क्या आता है, कॉस टू थीटा, देन वी सबस्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ
कॉस टू थीटा मिलेगा। ठीक है, तो कॉस इनवर्स इनटू क्या, कॉस क्या है आइडेंटिटी, तो रिमेनिंग क्या है ओनली टू थीटा, मतलब वाई इज इक्वल टू क्या मिला टू थीटा, देयरफॉर वाई इज इक्वल टू वी गेट टू थीटा। देन व्हाट इज थीटा हियर, व्हेन वी सबस्टिट्यूट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, देन ऑल्सो थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा tan इनवर्स x, ओके, देन हियर ऑल्सो x इज tan थीटा, फ्रॉम दैट थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा tan इनवर्स x, तो यहाँ पे वी गेट थीटा इज एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब 2 इन टू क्या मिलेगा tan इनवर्स x, तो हम इसे इजिली विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंट कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएट दिस y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड का डेरिवेटिव क्या आएगा dy by dx इज इक्वल टू 2 इज अ कॉन्स्टेंट, वी टेक इट आउटसाइड इनटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x। इन दिस स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर वी ऑलरेडी हैव स्टडी द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, मींस tan इनवर्स x, cot इनवर्स, sin इनवर्स, cos इनवर्स, ऑल दिस फॉर्मुलास ऑलरेडी वी हैव नोन। देन व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ओके, समटाइम्स इट इज अ कंपोजिट फंक्शन और वी हैव यूज चेन रूल, मतलब इफ tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x डेरिवेटिव क्या मिलता है 1 अपॉन 1 प्लस f ऑफ x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ f of x is f dash of x, मतलब यहाँ पे instead of x there is some composite function, then again we have to use chain rule, मतलब into derivative of this, यहाँ पे क्या मिलेगा into derivative of x is 1, okay, into यार derivative of x क्या मिलेगा 1 मिलेगा, then dy by dx is equal to dy by dx is equal to क्या this 2 into tan inverse का derivative क्या है 1 upon 1 plus x square, तो dy by dx क्या है dy by dx is equal to 2 divided 1 plus x square is the value of derivative. Next one example is tan inverse of 2x divided 1 minus x square. Here what we are given, that is y is equal to tan inverse of 2x divided 1 minus x square. यहाँ पे भी हमें इनसाइड की टर्म क्या कन्वर्ट करनी है इन टर्म्स ऑफ tan. तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन हम पुट कर सकते हैं सच दैट ये जो इनसाइड की टर्म है 2x divided 1 minus x square की जगह हमें tan टर्म मिल जाए. ठीक है, तो वी नो दैट वन रिजल्ट tan 2 थीटा का रिजल्ट पता है, क्या है 2 tan थीटा डिवाइडेड 1 minus tan square थीटा. तो whatever the given example, observe this example carefully and then which term we have to substitute x is equal to such that we get inside term in terms of tan. So, we tan 2 theta ka formula pata hai, kya hai 2 tan theta divided 1 minus tan square theta. Agar hume sab formulas pata hai to hum use easily apply kar sakte, that is tan 2 theta ka formula 2 tan theta divided 1 minus tan square theta hai. To hum yaha pe kya substitute kar sakte such that we put x is equal to tan theta. Agar hume formula pata hai to hum easily apply karenge, to y is equal to tan inverse of to kya milega 2 into tan theta divided this 1 minus tan square theta. तो ये जो value 2 tan theta divided 1 minus tan square theta के क्या है? tan 2 theta. Then put this. Then y is equal to tan inverse. Inside की term क्या मिली? tan 2 theta. Then apply the result. tan inverse into tan is theta. मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? Only 2 theta. अगर हमने x is equal to tan theta put up किया है, तो theta क्या मिलेगा? Theta is equal to tan inverse x. Okay? That is बाद में हमें ये value use करनी है. तो when we write x is equal to tan theta, then also write theta is equal to tan inverse x. Okay? Then y is equal to क्या मिला यहाँ पे? 2 theta. Then put up theta. Therefore y is equal to 2. Theta क्या put किया? Tan inverse x. तो हम इसे easily differentiate करेंगे. Then differentiate with respect to x. With respect to x, तो क्या मिलेगा dy by dx is equal to this 2 is a constant term into derivative of again this tan inverse x, और tan inverse x का derivative हमें पता है अभी हमने use किया था 2 into tan inverse x का derivative क्या होता है tan inverse x का derivative 1 upon 1 plus x square into derivative of x हम लेते हैं लेकिन derivative of x with respect to x क्या आता है 1 आता है ठीक है तो 1 upon 1 plus x square मिलेगा तो क्या मिला dy by dx is equal to और final answer is dy by dx is equal to 2 divided 1 plus x square is the value of derivative sine inverse of 1 minus x square divided 1 plus x square तो y is equal to क्या है y is equal to sin inverse of
वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे आउटसाइड टर्म क्या है, साइन इनवर्स है, तो इनसाइड क्या कन्वर्ट करनी है, हमें साइन के टर्म में कन्वर्ट करनी है। बट वी रो द फॉर्मूला ऑफ साइन का, वन माइनस टैन स्क्वायर डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं, बट वी रो द फॉर्मूला ऑफ कॉस टू थीटा। क्या है कॉस टू थीटा, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है। तो हम पहले इसे इनसाइड की टर्म कॉस टू थीटा में कन्वर्ट करेंगे और बाद में वी नो दैट कॉस थीटा वी राइट इन टर्म्स ऑफ साइन ऑल्सो। ओके, देन अगेन वी कन्वर्ट दिस कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन। देन इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस इनसाइड टर्म इन द फॉर्म ऑफ वन प्लस वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट इस फॉर्म में लाने के लिए पुट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा। अगर एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा पुट किया तो थीटा क्या है, टैन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, देन दिस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ इनसाइड टर्म क्या है, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये क्या है, कॉस टू थीटा है। देन वाई इज इक्वल टू क्या मिला, साइन इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा, बट हमें क्या चाहिए, इन टर्म्स ऑफ साइन। ओके, देन वी नो दैट कॉस, दैट इज रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कॉस पाई बाय टू माइनस कॉस थीटा इज, वट इज कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन, कॉस थीटा इज साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा। ओके, दैट इज कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। देन साइन पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाय टू इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस पाई बाय टू इंटू साइन थीटा। ओके, तो कॉस पाई बाय, साइन पाई बाय टू क्या है, वन है, इंटू क्या रिमेनिंग है, कॉस थीटा, और कॉस पाई बाय टू क्या है, जीरो, तो ये लास्ट की टर्म क्या होगी, जीरो, तो क्या रहेगा, ओनली कॉस थीटा। देन वी राइट कॉस टू थीटा कैसे लिखेंगे, कॉस टू थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय टू माइनस टू थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, देन वी गेट y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू द साइन इनवर्स ऑफ कॉस टू थीटा को क्या सिंप्लीफाई किया, साइन पाई बाय टू माइनस टू थीटा की फॉर्म में सिंप्लीफाई किया। ठीक है, देन y इज इक्वल टू द साइन इनवर्स इनटू साइन आइडेंटिटी, तो क्या रिमेनिंग है, ओनली पाई बाय टू माइनस टू थीटा, और थीटा क्या है, टैन इनवर्स है। देन पुट अप किया, देन वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पाई बाय टू माइनस टू इंटू टैन इनवर्स एक्स मिलेगा। देन डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, और दिस माइनस टू इज कॉन्स्टेंट, एक आउटसाइड टैन इनवर्स का क्या मिलेगा, विद दैट वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, अभी हमने यूज किया है। तो डीवाई बाय डी एक्स क्या मिला, डीवाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइडेड वन प्लस एक्स स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। ओके, देन द सेम थिंग नेक्स्ट वन एग्जाम्पल इज साइन इनवर्स ऑफ 2x into square root 1 minus x square. Then y is equal to guys sine inverse of this 2x square root 1 minus x square. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें आउटसाइड टर्म साइन इनवर्स है, तो इनसाइड भी क्या कन्वर्ट करनी है, इन टर्म्स ऑफ साइन। यहाँ पे दो चॉइसेस है, टू पुट एक्स इज इक्वल टू वैल्यू, फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, आइदर हम एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा भी पुट अप कर सकते हैं और कॉस थीटा भी पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू सब्स्टिट्यूट, सपोज पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर हमने एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा पुट किया तो थीटा क्या मिलेगा, साइन इनवर्स एक्स मिलेगा। ठीक है, देन वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ, तो ये क्या मिलेगा, टू साइन थीटा, और इनसाइड की जो है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। देन टेक इट्स स्क्वायर रूट, साइन इनवर्स ऑफ ये क्या है, टू साइन थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और एज ए टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हमें पता है क्या है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन टू थीटा होती है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा, तो रिमेनिंग क्या है, वन टू थीटा। देन अगेन वी सब टू थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स x। यहाँ पे अगर हमने साइन की जगह, साइन थीटा की जगह कॉस थीटा पुट अप किया तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे
टू इंटू कॉस थीटा, और इन साइड की टर्म क्या होगी, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आता है साइन स्क्वायर, अगेन हियर वी गेट साइन थीटा, अगेन दिस वैल्यू इज साइन टू थीटा, अगेन वी गेट हियर टू थीटा. ओके देन हियर सब्स्टिट्यूट थीटा, वाई इज इक्वल टू क्या है थीटा, दैट इज साइन इनवर्स एक्स. डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, डीवाई बाई डीएक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके डीवाई बाई डीएक्स की वैल्यू क्या आएगी, टू इंटू साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, हमें पता है. अगर हमने यहाँ पे इन प्लेस ऑफ साइन थीटा हमने अगर कॉस थीटा पुट अप किया है, इफ वी पुट इन प्लेस ऑफ साइन थीटा एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया कॉस थीटा, तो क्या वैल्यू चेंज होगी, ओनली थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स. ओके मतलब यहाँ पे हम जो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं ना, यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स. फाइनली यार टू कॉस थीटा इन टू स्क्वायर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा आएगा, यहाँ पे टू साइन थीटा इन टू कॉस थीटा ही मिलेगा, और यहाँ पे क्या आएगा साइन टू थीटा ही आएगा. ओके फाइनली टू थीटा इज रिमेनिंग है, मतलब लेकिन ये थीटा क्या है कॉस इनवर्स है. अगर हमने एक्स की जगह क्या पुटअप किया कॉस थीटा पुटअप किया, तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव इन दिस केस क्या आएगा, dy by dx is equal to 2 into cos inverse x, और cos inverse का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस टाइम वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. मतलब यहाँ पे dy by dx की वैल्यू प्लस भी आ सकती है और माइनस भी आ सकती है. ठीक है तो dy by dx is equal to हम फाइनली कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस टाइम टू डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, आइदर वी सब्स्टिट्यूट साइन थीटा और कॉस थीटा, वी गेट प्लस माइनस. अगर साइन थीटा पुटअप किया तो पॉजिटिव आएगी, कॉस थीटा पुटअप किया तो निगेटिव आएगी. दिस द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव. क्या है कॉस इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब है, मतलब वाई इज इक्वल टू क्या है कॉस इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब. तो इनसाइड की जो टर्म है क्या कन्वर्ट करनी है हमें इन टर्म्स ऑफ कॉस ऑल्सो. तो हमें कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, क्या है कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला, दैट इज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है. ओके तो यहाँ पे क्या है 3x माइनस 4x क्यूब है, अगर हमने x कॉस थीटा पुटअप किया तो हमें 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा मिलेगा, लेकिन cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट हम यहाँ पे हम फर्स्ट माइनस साइन आउटसाइड लेंगे. ओके फर्स्ट वी टेक माइनस साइन एज आउटसाइड इन ऑर्डर टू गेट दिस सेम थिंग फॉर्म. ओके देन माइनस टाइम 4 x क्यूब माइनस 3 x. ओके अगर पहले अगर हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप किया तो भी चलेगा, और पहले माइनस साइन आउटसाइड लिया बाद में x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप किया तो भी चलेगा. मतलब x इज इक्वल टू कौन सी टर्म सब्स्टिट्यूट करेंगे सच दैट इनसाइड टर्म बिकम्स इन टर्म्स ऑफ कॉट, इनसाइड टर्म बिकम्स इन टर्म्स ऑफ कॉस. यहाँ पे x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप किया तो हमें ये फॉर्मूला मिल सकता है. ठीक है देन वी सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे अगर हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया तो क्या मिलेगा, और हमने माइनस साइन ऑल्सो कॉमन लिया तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा है. ठीक है जब न्यूमरेटर अप और डिनोमिनेटर का फॉर्म होता है और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स की टर्म होती है तो डेफिनेटली देयर हमें x इज इक्वल टू टैन थीटा ही पुटअप करना है. लेकिन यहाँ पे क्या है 3x माइनस 4x क्यूब, और हमें पता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा क्या होता है कॉस 3 थीटा होता है. ठीक है तो अप्लाइंग दिस रिजल्ट वी यूज हियर पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे कॉस थीटा, देन y इज इक्वल टू क्या मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ ए माइनस टाइम क्या होगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा. ओके तो इनसाइड की टर्म क्या होगी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस टाइम कॉस 3 थीटा, लेकिन ये जो इनसाइड का नेगेटिव साइन है ना इसे हमें पहले ही इलिमिनेट करना है, क्योंकि इस नेगेटिव साइन की वजह से हमें एक फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकती कॉस इनवर्स इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा. ओके पहले हमें इस नेगेटिव साइन को इलिमिनेट करना है. ओके फर्स्ट वी हैव टू इलिमिनेट दिस नेगेटिव साइन बिकॉज वी कांट अप्लाई दिस रिजल्ट कॉस इनवर्स इनटू कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा. ओके देन फर्स्ट वी हैव टू इलिमिनेट दिस रिजल्ट दिस नेगेटिव साइन, देन व्हेन वी इलिमिनेट दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ विदाउट द रिजल्ट कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है कॉस इंटू कॉस प्लस साइन इंटू साइन. ओके देन कॉस पाई क्या है माइनस है तो माइनस कॉस थीटा आता है, तो कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो कॉस पाई माइनस 3 थीटा बिकम्स माइनस कॉस 3 थीटा. तो ये माइनस कॉस 3 थीटा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे कॉस
पाई माइनस थ्री थीटा। तो सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, माइनस कॉस थ्री थीटा, मतलब कॉस माइनस कॉस थ्री थीटा क्या है, पाई माइनस थ्री थीटा, कॉस पाई माइनस थ्री थीटा। तो क्या मिलेगा, वाई इज इक्वल टू दिस आइडेंटिटी पाई माइनस थ्री थीटा, और यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा पुटअप किया तो थीटा क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स होता है, ठीक है। देन डिफ्रेंशिएट किया फर्स्ट वी सब टू थीटा, वाई इज इक्वल टू क्या है, पाई माइनस थ्री इंटू कॉस इनवर्स एक्स। तो डिफ्रेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक कॉन्स्टेंट है पाई, डेरिवेटिव जीरो मिलेगा, माइनस थ्री इंटू कॉस इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव, वन अपॉन, अभी हमने यूज किया है वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, बट इट इज विच टाइम, माइनस टाइम, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस टाइम वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, देन दिस माइनस एंड दिस माइनस क्या मिलेगा प्लस, मतलब डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू थ्री डिवाइडेड स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने कॉस पाई माइनस थीटा यूज किया, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और अगर हमने कॉस पाई प्लस थीटा भी यूज किया तो भी माइनस कॉस थीटा आता है, ओके। देन हियर पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थ्री थीटा, और थीटा की जगह कॉस इनवर्स पुट किया तो डेरिवेटिव सिंप्लीफिकेशन थ्री अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर आता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या यूज किया, कॉस पाई प्लस थीटा यूज किया तो कॉस क्या आएगा, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई प्लस थ्री थीटा आएगा, ओके। मतलब क्या होगा, पाई प्लस थ्री थीटा, ओके। देन यर वाई इज इक्वल टू पाई प्लस थ्री टाइम थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स एक्स, ओके, कॉस इनवर्स एक्स। एंड वेन वी डिफ्रेंशिएट देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो, ये थ्री, और कॉस इनवर्स का क्या है, वन माइनस टाइम वन अपॉन स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस थ्री डिवाइडेड स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो बुक में ये आंसर दिया है, माइनस थ्री डिवाइडेड स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देन यर वी यूज कॉस पाई प्लस थीटा फॉर्मूला, ओके, कॉस पाई माइनस थीटा ने भी यही आता है, मतलब माइनस कॉस थीटा, और कॉस पाई बाई पाई प्लस थीटा ने भी क्या आता है, माइनस कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे पाई प्लस थ्री थीटा यूज किया तो ये आएगा, और यहाँ पे कॉस पाई माइनस थ्री थीटा यूज किया तो ये प्लस आएगा, ओके। देन वी यूज दिस रिजल्ट, पाई प्लस थ्री थीटा, दैट इज कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, देन कॉस पाई प्लस थीटा वी गेट माइनस थ्री डिवाइडेड स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट वी अंडरस्टैंड देन कॉस इनवर्स क्या है, ई रेस्ट एक्स माइनस ई रेस्ट माइनस एक्स डिवाइड ई रेस्ट एक्स प्लस ई रेस्ट माइनस, आउटसाइड की टर्म क्या है, कॉस इनवर्स, तो इनसाइड की भी क्या लाना, क्या चाहिए, कॉस इनवर्स ही चाहिए, ठीक है। तो वो ई रेस्ट टू माइनस एक्स कैसे लिख सकते हैं, गिवन एग्जांपल को वाई इज इक्वल टू डी नोट किया, ई रेस्ट टू माइनस एक्स हम वन अपॉन ई रेस्ट टू एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब ई रेस्ट टू माइनस एक्स वन अपॉन ई रेस्ट टू एक्स के फॉर्म में लिखा, तो ई रेस्ट टू एक्स इंटू ई रेस्ट टू एक्स क्या होगा, ई रेस्ट टू एक्स, और ई रेस्ट टू एक्स स्क्वायर होगा, माइनस वन अपॉन ई रेस्ट टू एक्स, सेम थिंग ई रेस्ट टू एक्स इंटू ई रेस्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड ई रेस्ट टू एक्स, ये क्या है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी के फॉर्म में, मतलब दिस टर्म एंड दिस टर्म गेट कैंसल, तो क्या रहेगा, कॉस इनवर्स ई रेस्ट एक्स स्क्वायर माइनस वन ई रेस्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वी नो दैट कॉस टू थीटा का फॉर्मूला पता है, कॉस टू थीटा का वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो ये जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो मैक्सिमम टाइम हमें टैन थीटा का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, मतलब वन प्लस टैन स्क्वायर, मतलब वन माइनस टैन स्क्वायर डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर अकॉर्डिंग टू वेदर इट इज कॉस इनवर्स टर्म साइन इनवर्स, और तीनों में से कौन सा भी एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, मतलब साइन टू थीटा का, कॉस टू थीटा का और टैन टू थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, आउटसाइड की टर्म क्या है, कॉस इनवर्स है। तो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दिस फॉर्म, तो एक ई रेस्ट टू एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा पुट अप किया तो हमें टैन स्क्वायर थीटा मिल सकता है, लेकिन ये क्या है, माइनस टाइम है, हमें वन माइनस टाइम चाहिए, तो हमें फ्रॉम न्यूमरेटर टर्म वी टेक माइनस एज आउटसाइड, ठीक है। तो न्यूमरेटर की टर्म से क्या किया, हमने माइनस एन आउटसाइड लिया, तो क्या आएगा, वन माइनस ई रेस्ट टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड वन प्लस ई रेस्ट टू एक्स स्क्वायर, और वन माइनस टैन स्क्वायर चाहिए तो ई रेस्ट टू एक्स पुट किया सब्स्टिट्यूशन, ई रेस्ट टू एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, तो थीटा क्या है, टैन इनवर्स ई रेस्ट टू एक्स मिलेगा, ठीक है। तो वन माइनस ए माइनस एन आउटसाइड में वन माइनस ट्रांसफर थीटा डिवाइड वन प्लस ट्रांसफर, ये क्या है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, ओके, देयर वी सब टू डियर कॉस टू थीटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस साइन है, जब भी माइनस साइन होता है तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, पहले हमें माइनस साइन इलिमिनेट करना है, फॉर दैट वी सिंप्लीफाई बाई यूजिंग द फॉर्मूला कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ये कॉस टू थीटा क्या होगा,
कॉस पाई माइनस टू थीटा होगा, तो कॉस ऑफ कॉस क्या होगा, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस आइडेंटिटी, तो क्या मिलेगा यहाँ पे पाई माइनस टू थीटा, और थीटा क्या है टैन इनवर्स एक्स है, ओके यार थीटा इज टैन इनवर्स एक्स, बट एक्स की जगह क्या पे क्या है यहाँ पे इजस टू एक्स है, मतलब यहाँ पे हमें चेन रूल अप्लाई करना है फॉर द डेरिवेटिव, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा वाई पाई माइनस टू थीटा पाई माइनस टू इंटू टैन इनवर्स इजस टू एक्स, तो डिफरेंशिएट किया पाई का डेरिवेटिव जीरो माइनस टू कॉन्स्टेंट आउट साइड, टैन इनवर्स का क्या आता है डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स का क्या आता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स की जगह क्या है इरस टू एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है तो इरस टू एक्स स्क्वायर आएगा इन टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स आता है वेन वी टेक डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू डेरिवेटिव एक्स, बट यार एक्स की जगह क्या है इरस टू एक्स है, तो इरस टू एक्स का डेरिवेटिव आएगा, ओके एक्सपोनेंशियल का क्या होता है इरस टू एक्स ही होता है, तो डीवाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा माइनस टू इरस टू एक्स डिवाइडेड वन प्लस इरस टू एक्स स्क्वायर विच इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव, और आइदर यू कैन राइट दिस एज माइनस टू इरस टू एक्स डिवाइडेड 1 plus e raised to 2x also. Then the same thing next one example is here cos inverse 1 minus 9 raised to x divided 1 plus 9 raised to x. तो यहाँ पे भी हमें इनसाइड की टर्म cos inverse की टर्म में कन्वर्ट कर लें, तो ये जो 9 है ना we did not given as y is equal to, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 माइनस टैन स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस टैन स्क्वायर चाहिए, तो ये 9 मतलब क्या है 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर raised to एक्स, ओके नाइन स्क्वायर थ्री स्क्वायर नाइन रेस टू एक्स मतलब थ्री स्क्वायर रेस टू एक्स, और हमें ये पता है ए रेस टू यम रेस टू यन ए रेस टू यम एन होता है, ठीक है और ए रेस टू यम रेस टू यन ये जो है इसकी पोजीशन भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ए रेस टू यम रेस टू यन ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेस टू यन रेस टू पावर यम, तो इसकी पोजीशन चेंज की थ्री रेस टू एक्स रेस टू पावर टू लिखा, तो क्या आएगा कॉस इनवर्स वन माइनस थ्री रेस टू एक्स रेस टू टू, ये जो है ना यम यन इसकी पोजीशन चेंज की ए रेस टू थ्री रेस टू एक्स रेस टू टू, तो प्लस वन प्लस थ्री रेस टू एक्स रेस टू टू, देन वन माइनस टैन स्क्वायर चाहिए ना, तो थ्री रेस टू एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा पुटअप किया, तो ये थ्री रेस टू एक्स टैन थीटा स्क्वायर मिला, ओके देन इफ थ्री रेस टू एक्स इज टैन थीटा तो थीटा क्या मिलेगा टैन इनवर्स थ्री रेस टू एक्स, ओके तो वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा क्या है कॉस टू थीटा है, तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस टू थीटा क्या मिलेगा टू थीटा मिलेगा, देन थीटा क्या है टैन इनवर्स थ्री रेस टू एक्स है, ओके वेन थ्री रेस टू एक्स टैन थीटा देन थीटा इज टैन इनवर्स थ्री रेस टू एक्स, देन थीटा पुट अप किया टैन इनवर्स थ्री रेस टू एक्स, तो डिफरेंशिएट किया टू इज कॉन्स्टेंट टैन इनवर्स का क्या है वन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स की जगह क्या है थ्री रेस टू एक्स है, तो थ्री रेस टू एक्स का स्क्वायर आएगा एंड इन टू डेरिवेटिव ऑफ थ्री रेस टू आएगा, ओके चेन रूल दैट इज डेरिवेटिव ऑफ टैन इनवर्स क्या होता है वन ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इन टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ओके भाई यहाँ पे एक्स की जगह क्या है थ्री रेस टू एक्स है, तो इन टू डेरिवेटिव ऑफ थ्री रेस टू एक्स आएगा, तो वी नो दैट थ्री रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है थ्री रेस टू एक्स का क्या होता है थ्री रेस टू एक्स इंटू लॉग थ्री, दैट इज यूजिंग द फॉर्मूला ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग एट, तो इन प्लेस ऑफ ए क्या है यहाँ पे थ्री है, तो थ्री रेस टू एक्स इंटू लॉग थ्री, और ये क्या है थ्री टू डिवाइड वन प्लस थ्री रेस टू एक्स स्क्वायर, ओके देन टू डिवाइड वन प्लस थ्री रेस टू एक्स स्क्वायर थ्री रेस टू एक्स इंटू लॉग थ्री, तो फाइनली क्या मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू थ्री रेस टू लॉग थ्री डिवाइडेड वन प्लस ये थ्री रेस टू एक्स रेस टू टू है ना ए रेस टू यम एन लिख सकते मतलब थ्री रेस टू टू एक्स लिख सकते हैं, ओके वन प्लस थ्री रेस टू टू एक्स इज द वैल्यू ऑफ डेट, अब क्या है साइन इनवर्स है, तो इन साइड टर्म किस फॉर्म में चाहिए साइन के फॉर्म में चाहिए, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला डेफिनेटली वी हैव टू साइन टू थीटा का फॉर्मूला, मतलब व्हेन पी अपॉन क्यू फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म होता है तो डेफिनेटली इफ साइन इनवर्स देन इनसाइड साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, इफ कॉस इनवर्स इनसाइड कॉस टू थीटा का, इफ टैन इनवर्स इनसाइड टैन टू थीटा का फॉर्मूला यूज करना है, ओके रिमेंबर दिस ऑल फॉर ऑल द एग्जांपल, तो साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है टू टैन थीटा डिवाइडेड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा है, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज दिस रिजल्ट, देन इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द गिवन एग्जांपल, ओके सच दैट वी यूज दिस रिजल्ट, तो साइन इनवर्स है फोर एस टू एक्स रेस टू वन आप है ना, तो ए रेस टू एम प्लस एन और ए रेस टू एक्स प्लस वाई का रिजल्ट यूज किया, तो क्या है ए रेस टू एक्स इंटू ए रेस टू वाई, तो ये फोर एस टू एक्स रेस टू वन आप क्या होगा फोर एस टू एक्स इंटू फोर एस टू वन आप, तो इन न्यूमरेटर क्या सिंप्लीफाई फोर एस टू एक्स इंटू फोर एस टू वन अप मतलब टू इंटू फोर एस टू एक्स, तो डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे फोर एस टू एक्स है ना तो डिनोमिनेटर ने भी डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए फोर एस टू एक्स ही चाहिए, इन ऑर्डर टू पुट फोर एस टू एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा टू इंटू टैन थीटा डिवाइड वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये वन प्लस टू रेस टू फोर एक्स है ना ये फोर एस टू एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे ये जो है टू रेस टू फोर एक्स
तो विच इज सेम थिंग एज 2 रस टू 4 रस टू x पावर, एंड वी नो दैट a रस टू m रस टू n तो ये इंटरचेंज कर सकते हैं. तो ये इंटरचेंज किया तो क्या मिलेगा, 4 रस टू 2 रस टू x. अगेन हियर अगेन इफ यू इंटरचेंज दिस तो 4 रस टू x रस टू 2, तो 4 रस टू x रस टू 2 और 4 रस टू 2x. ओके, देन यहाँ पे क्या है, 4 रस टू x इंटू स्क्वायर रूट क्या है 2, 2 4 रस टू x, और 2 रस टू 4x का सिंप्लीफाइड टर्म क्या है 4 रस टू x रस टू 2, 4 रस टू x रस टू 2. तो पुट x इज 4 रस टू x इज इक्वल टू tan थीटा पुट अप किया तो क्या है साइन इन 2 tan थीटा, 1 प्लस 4 रस टू x स्क्वायर है ना, 2 tan² थीटा होगा, और ये क्या होता है साइन 2 थीटा होता है, तो साइन इन इंटू साइन रिमेन इज 2 थीटा. तो थीटा क्या है, इफ 4 रस टू x इज tan थीटा, देन थीटा इज tan इनवर्स 4 रस टू x, तो tan इनवर्स 4 रस टू x. डिफ्रेंशिएट किया तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2 इज कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स का क्या था 1/1 + x², बट x स्क्वायर की जगह क्या है 4 रस टू x² आएगा, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 4 रस टू x. ओके, मतलब चेन रूल इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 रस टू x, 4 रस टू x का डेरिवेटिव क्या था 4 रस टू x इंटू log 4. ओके, देन दिस 2 डिवाइडेड 1 + 4x 4 रस टू x² इंटू 4 रस टू x log 4, तो 2 × 4 रस टू x log 4 डिवाइडेड 1 + 4 रस टू x रस टू 2. तो इसका मल्टीप्लीकेशन लिया a रस टू m रस टू n क्या आता है a रस टू m इंटू n आता है, तो 1 + 4 रस टू 2x मिलेगा, विच इज द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव.